तो हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कोई भी फैसला सुनाने से पहले झारखंड की भावनाओं को और उस मतदाताओं की भावनाओं को ख्याल रखते हुए अपना फैसला सुनाना चाहिए था। सुविधा भी पहुंचती है और झारखंड की सरकार बची है, झारखंड के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बची है, तो उसमें अगर मुझे सहयोग के लिए जांच एजेंसी मेरे को बुला रही है तो उसमें मैं अपने आप को परेशान नहीं समझता हूँ। कोई भी कोयला का दुरुपयोग बिना CISF के मिलीभगत से नहीं हो सकता। झारखंड के युवा इस वक्त सड़क पर हैं और झारखंड के युवा विधायक अनूप सिंह हमारे साथ हैं। अनूप सिंह युवा विधायक तो हैं और ये भी खुद परेशान हैं ED, इनकम टैक्स, तमाम मुद्दों को लेकर। युवा सड़क पर हैं, आप युवा विधायक हैं, आपको भी परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी नहीं हो रही है, ये तो कार्रवाई है। जब चीज़ों को आप जनता के पटल पर लाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है, कुछ लोगों को इससे सुविधा भी पहुंचती है। और झारखंड की सरकार बची है, झारखंड के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बची है, तो उसमें अगर मुझे सहयोग के लिए जांच एजेंसी मेरे को बुला रही है तो उसमें मैं अपने आप को परेशान नहीं समझता हूं। मैं सहयोग करने का काम करूंगा। निश्चित तौर पर जो युवा जो सड़क पर हैं रोज़गार को लेके, हम लोग ने रोज़गार के ही तहत तो ये बोला था कि 10वीं पास वालों को हम रोज़गार देंगे जो झारखंड से पास में। तो जब झारखंड की जनता ने झारखंड की सरकार को चुनने का काम किया, इस महागठबंधन की सरकार को चुनने का काम किया, तो हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कोई भी फैसला सुनाने से पहले झारखंड की भावनाओं को और उस मतदाताओं की भावनाओं को ख्याल रखते हुए अपना फैसला सुनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की जनता ने वोट देके इस सरकार को बनाया। तो यहाँ की सरकार की पहली जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ की जनताओं को रोज़गार से जोड़े। तो उन्होंने रोज़गार से जोड़ने के लिए पहला कदम उठाया था कि यहाँ से पास जो विद्यार्थी हैं 10th पास, उनको हम नियोजन में रखेंगे। अब उन्होंने इसको खारिज किया है, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें तो BJP वालों को भी हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि झारखंड की जनता, पहले तो झारखंड इतने सालों के बाद अलग राज्य बना और 18 साल तक BJP ने कमर तोड़ने का काम किया, झारखंड की जनताओं के अलग अपेक्षा के अलग जाके काम करने का काम किया। हेमंत सोरेन जी ने आते ही पारा शिक्षक हो या फिर 1932 हो या फिर आपको OBC हो या CPL हो या सहिया सेविका हो, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने विधानसभा से झारखंड के जनताओं के हक में पारित करने का काम किया, कैबिनेट से पारित करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता समझ रही है और आने वाले 2 साल में बहुत हद तक हम लोग चीज़ों को सुधार पाएंगे। अनूप जी, आपके क्षेत्र से कुछ दूरी पर बाघमारा पड़ता है, वहाँ एक कांड हुआ था और गोली कांड हुआ, 4 मजदूर मारे गए कोयला चोरी कर अपने, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो कोल है वो प्रोटेक्टेड मिनरल्स में आता है और उसका प्रोटेक्शन जो है CISF करती है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी करती है। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है यूनियन का और मैं मजदूर नेता के रूप में, मेरे पिता ने मुझे विकसित किया है, मेरे पिता खुद मजदूर नेता थे, कोई भी कोयला का दुरुपयोग बिना CISF के मिलीभगत से नहीं हो सकता है। CISF पहली सेंट्रल लाइन फोर्स होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। आप CISF को पार करिएगा तब तो राज्य सरकार के एरिया में आइएगा, लेकिन CISF अगर मिली भी है तो निश्चित तौर पर ये काम होगा। तो मैं तो चाहूँगा कि पहले जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, कोल इंडिया मिनिस्ट्री है, वो CISF को दुरुस्त करे ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। तभी जी, वहाँ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है गुटबाजी होती है, प्रतिनिधि जो वहाँ के हैं वो भी इन सब में मिले हुए हैं। देखिए, ये जांच का विषय है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो चीज़ें घटी, उन लोग कोयला चोरी के क्रम में काउंटर फायरिंग हुई और ये घटना घटी, तो आखिर वो घुसे कैसे, CISF ने उसे घुसने कैसे दिया, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि कोल इंडिया को और अपने आप को मजबूत करना होगा। जो मृत प्रजन है उनके मुआवजे के लिए, उनको कुछ सहायता के लिए आप आगे आएंगे? एकदम आगे आएंगे, हम लोग को आगे आना भी चाहिए। पहले तो कोल इंडिया को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रावधान में है कि अगर माइंस में कोई फेटल एक्सीडेंट होता है तो फेटल एक्सीडेंट के माध्यम से कोल इंडिया के साथ नेगोशिएट करके जो संबंधित राशि है वो आप प्रयोजनों को दिलवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे तो कोई भी कोल इंडिया से नेगोशिएट करने नहीं आया। दुर्भाग्यपूर्ण था कि शायद वहाँ के विधायक BJP के हैं और जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है कोल इंडिया की वो BJP के द्वारा संचालित होती है, तो उसके खिलाफ कोई नहीं गया। जो चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, HMS, C2, ATAC, BMS, वो नहीं गया, क्योंकि इंटक तो बैठ रहा नहीं है अभी, तो ये चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी मांग नहीं रखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गौरव, ये जो बिल है उसका, वाह, जॉब ढूंढ रहे हैं? हाँ भैया,
थोड़ी कमाई और हो जाए तो बात बन जाएगी। तो जो तू ये दिन रात बाइक पे भटकते रहता है उसी से पैसे कमा ले। रैपिडो कैप्टन बने, जब वक्त मिले बाइक चलाए और दिन के 1,500 तक कमाए, ऊपर से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और बोनस भी। डाउनलोड करें रैपिडो कैप्टन ऐप और आज ही ज्वाइन करें, वो भी फ्री।